छोटा सा माफिया वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में कि उसका कंट्रोल ना जाए, वो इलेक्शन से भाग रहा है। वो इलेक्शन से भागने में वो पाकिस्तान के आईन की और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ओपनली डिफाइंस कर रहा है, उसके उसकी पूरी तरह खिलाफ वर्जी कर रहा है। इमरान खान ने असेंबलियों की तहलील का मलबा भी जनरल बाजवा पर डाल दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मुखालफीन कहते थे इंतखाबात चाहिए तो अपनी सूबाई असेंबलियां तोड़ दें। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी कहा था अगर इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी हुकूमत गिरा दें। उन्होंने अपनी हुकूमत गिरा दी मगर अब ये मैच से भाग रहे हैं, ये इलेक्शन को अक्टूबर से भी आगे ले जाना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से वीडियो लिंक पर खिताब भी किया, बोले बरसर इक्तदार माफिया को अदालती अहकामात और आइन की खिलाफवर्जी से भी फर्क नहीं पड़ता, कब्जा ग्रुप को मुसल्लत करने के लिए इलेक्शन कमीशन साथ मिला है। इमरान खान ने बाजवा के कहने पर असेंबलियां क्यों तोड़ी, इख्तदार की खातर पंजाब और पख्तूनख्वा के अवाम की तौहीन की। वफाकी वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अब इलेक्शन बाजवा और सास के कहने पर नहीं अपने वक्त पर होगा। इमरान ने समाज अखलाक सियासत और मुईशत तहस नहस की, जहनों में जहर घोला, दिलों में नफरत भरी, सियासत को गंदा और मुल्क को मफलूज किया, अदलिया की तौहीन की, धमकी से जमानत का रिलीफ पैकेज लिया, आयन की दस्तक नहीं सास के खौफ से उनके हक में फैसला दिया, आयन से खिलवाड़ करने वालों को कौम बख्शेगी न छोड़ेगी। वफाकी वजीर नवीद कमर कहते हैं इमरान खान और फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं हुआ, नहीं चाहते इस सतह पर जाएं जिससे इंतशार पैदा हो, ऑडियो लीक्स जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में एहतजाज की कॉल वापस ले ली। मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी ने 25 अप्रैल को सिंध में एहतजाज का ऐलान कर रखा था। शेख रशीद कहते हैं 21 अरब रुपए ट्रांसफ़र ना हुए तो हुकूमत ट्रांसफ़र हो जाएगी। 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू, मुज़ाकरात का झांसा देकर कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अदलिया का फैसला मानने से इनकार आइन और कानून से खुली बगावत है। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन में जाने और आवाम को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे, फजल रहमान जमहूरी निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। वफाकी वजीर राणा तनवीर ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन मुमकिन ही नहीं, चीफ जस्टिस के पास फार्मूला है तो करा लें, चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त पर हो। इमरान खान सियासतदान नहीं तकरीबकार हैं, कश्मीर पर गड़बड़ इमरान खान ने की, जो हुआ उनकी मर्जी से हुआ। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पंजाब में नून लीग का टिकट कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं, नून लीग इलेक्शन का बायकॉट करके अपना भरम कायम रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुज़ाकरात की मोहलत खत्म होने वाली है, हुकूमत मुज़ाकरात करने के बजाय बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। हुकूमत मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं इलेक्शन वही कबूल होगा जो साफ और शफाफ होगा, हर ऑडियो को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, एक बार फिर इमरान खान को मुसल्लत करने का माहौल बनाया जा रहा है, अब इमरान खान को दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे। इमरान खान की कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आईनी बहरान में धकेल दिया, अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। लिखा कि इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को इंतशार की जानब लेकर जा रहे हैं, चीफ जस्टिस और वफाकी हुकूमत के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी, इमरान खान स्टैब्लिशमेंट और अमरीका से दोबारा ताल्लुक उस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मजीद पेशरफ, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान की फाइनेंसिंग के मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। दोनों मुल्कों की पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 3 अरब डॉलर फराहम करने की तस्दीक। वजीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं स्टाफ लेवल माहदे की तमाम शरायत पूरी हो गई, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जल्द मंजूरी की उम्मीद है। सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, फसलें तबाह होने से मकामी सतह पर महंगाई बढ़ी, सैलाबजदा इलाकों की बहाली के लिए 16 अरब डॉलर के वादे हुए, सिर्फ 1.5 अरब डॉलर फराहम किए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी,
रिपोर्ट में कहा 2022 में पाकिस्तान को 2.6 अरब डॉलर के रियायती कर्जे दिए गए। तहरीक इंसाफ 25 अप्रैल को 27वें यौम तासीस पर पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। दूसरी जानब इंतखाबी टिकटों की तकसीम के मामले पर एहतजाज का सिलसिला जारी। पीपी 110 से कारकुनों का काफिला जमान पाक के बाहर पहुंच गया। कारकुनों ने पैराशूटर ना मंजूर के नारे लगाए। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी आज जमान पाक में तलब किया गया। हलीम आदिल शेख के पीपल्स पार्टी क़यादत पर संगीन इल्ज़ाम। कहा उनको कत्ल करने की साजिश बिलावल हाउस में बनाई जा चुकी, पहले भी साजिश करके हमले करवाए गए, झूठे मुकदमात में जेल के अंदर कत्ल करने की कोशिश की गई। हलीम आदिल शेख ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। सिंध के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने खत चीफ जस्टिस को गुमराह करने की साजिश करार दे दिया। मुल्क की सियासी सूरतेहाल, MQM ने तमाम अरकान पार्लियामेंट को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। मुतहदा के अरकान पार्लियामेंट का अहम इजलास कल कराची में तलब। MQM राबता कमेटी का फुल कॉरम इजलास भी कल बुला लिया गया। मौजूदा सियासी सूरतेहाल पर गौर किया जाएगा। कानूनी और मुआशी माहरीन सूरतेहाल पर राय देंगे। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी दावतों, मुलाकातों और सैरो तफरी का सिलसिला जारी रहा। पिकनिक के लिए मुख्तलिफ तफरी मकामात की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। बच्चों ने अपनी ईदी खत्म कर ली तो बड़ों की जेबें खाली करने की तरफ नजरें जमा ली। पार्कों में झूलों के मजे, कश्ती रानी और घुड़सवारी, चिड़ियाघरों की रौनकें भी उरूज पर, बच्चों की पसंदीदा जानवरों के साथ सेल्फियां। ईद की छुट्टियां और मौसम खुशगवार, मलिका कोहसार पर सयाहों की यलगार। बड़ी तादाद में सयाह खूबसूरत नज़ारों और चेयरलिफ्ट से लुत्फानंदोज होने लगे। हजारों गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी। GPO चौक पर गैर मामूली रश, ट्रैफिक दबाव का शिकार। सयाहों ने स्वाद का भी रुख कर लिया। हसीन वादियों के नज़ारों से ईद को यादगार बनाने लगे। ईद के तीसरे दिन भी कराची में बड़ी तादाद में शहरी सी व्यू पहुंचे। गर्म मौसम में साहिल समुंदर पर मौज मस्ती की। पिशावर में गवर्नर हाउस पर बच्चों का हल्ला गुल्ला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बच्चों को ईदी भी दी गई। कोयटा में भी जगह जगह ईद मेले। छांगा मांगा के नेशनल पार्क में भी शहरियों ने डेरे डाल लिए। कोटली आजाद कश्मीर में नौजवान दरियाए पूंछ में मछली के शिकार के लिए निकल आए। ईद पर शहदाए अर्ज़े पाक को कौम का खिराज अकीदत। शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके वतनी अजीज के दिफा को मुकद्दम और मजबूत रखा। अहले खाना का शहीद बेटों की अजीम कुर्बानी पर फख्र। अफवाज पाकिस्तान का मुल्की दिफा के लिए जंग आखिरी मुल्क दुश्मन के खात्मे तक जारी रखने के आज़म का एआदा।